छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक लोक कला संस्था ये मोर करौंदा के संचालक श्रीमान गुरुराम मरकाम जी है हरिओम स्टूडियो में आज पधारे हवे तो संगवारी हो आवाओ गुरुराम मरकाम जी से आप मतलब मिलावत हो। ये है गुरुराम मरकाम जी संगवारी हो। राम राम भैया हो, राम राम दादू हो, राम राम मत सबके हम अबे जय संगवारी हो। मैं ये हरिओम स्टूडियो में आया हूँ और आज एक पहले आ रहा हूँ मैं स्टूडियो में एक अच्छा रिकॉर्डिंग करते करते कि हमारे यहाँ गुड़िया मन आज यही स्टेडियम में गाते हैं और लोग सुन सुन के बढ़िया एकदम आशीर्वाद मिला थे। स्टेडियम के काम बहुत बढ़िया काम सवारी हो। जिन गायक ला हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम ने देखत रही वो गायक आज हमर हरिओम स्टूडियो में मौजूद हवे। मरकाम जी की आप मन की गाना ये आकाशवाणी दूरदर्शन में कते कन हो? अब ऐसे है कि हमार तीन महीना रिकॉर्डिंग हो रही थे जिन समय बरसात भी रही थे उस समय तो हम हर तीन महीना में जान और छः गीत जान। अच्छा, छः गीत में मोर ख्याल से आकाशवाणी रायपुर में 70-75 गीत हो रही आज भी। अच्छा हो तो अभी मार्केट में अभी कते खा लगी? अब मार्केट में तो ऐसे है कि वो समय रिकॉर्डिंग होती रही थी तो कई जन बुला रही थे वो सुनते नहीं रहेगा क्या है कि अब सियानी थी नहीं आगे है नहीं भाई वो समय जमार रहे तो कई मतलब हफ्ते में जान। अच्छा, रिकॉर्डिंग करे बाद तो वह में 100-200 गीत हुई। अच्छा, 100-200 हुई। हाँ वाह भाई वाह। मरकाम जी जी आप मन के गीत ला मार्केट में जिन्हें पाँव थे तेने गा थे इखर बारे से आप का सोचे का विचारे हो? अब ऐसे है सोच विचार का कर दे भाई आदमी ला जब गीत पसंद है। अच्छा, है ना। हाँ, कोई भी चीज ला आदमी हम मान के कि भाई मुझे गीत पसंद है मैं गाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे मांगना चाहिए। हाँ, और बिन पूछे बिन मांगे कोई ककरो गीत लगा देते। हाँ, भाई मैं कतका मेहनत में वो सिद्धा के मोर संगीत मोर गीत मोर सौरभ मैं कतका मेहनत से वो गीत ला एकदम संवार के और पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा भारत में सुन। पर तेल ला जबरदस्ती बिन पूछे गीत लगा देते तो मैं छोड़ के नगर पैदा होते। अरे गीत अति गाना है तो मूर्ति मांगो मैं तो दिले आदमी आऊँ पूरा गीत लग दे दूँ। हाँ, अगर कहीं कोई आदमी बिन पूछे कहूँ गा थे। हाँ, तो जिन कहीं पूछत नहीं और गाना लगा दी देखर बारे से आप कहाँ तक के ले जा सकते? अब वो ऐसे है कि भाई ने पूछी तो मौला एक आध बार गुस्सा आ जाए है ना भाई। भाई बगैर गुस्सा के आदमी ने भी नहीं करे तो मैं है मुला एक बात और सहन शक्ति नहीं हुए। अच्छा, कि अब लोग सुनते और किसे की मरकाम दिए गीत ला कत कम भेज दे और गीत ला दूसरे गा थे तो ये हम लोग भतीजा का वर्षन बुद्धि हम लोग दूपे से कोई नहीं दे है। आप मन के बदनामी होते हैं? बदनामी होते हैं। अच्छा, एक अंकित की मैं कहता हूँ कि भाई अब बगैर पूछे गीत ला मोर कोई गाई तो मुला हाई कोर्ट तक तो पहुँचा दू। अच्छा हाँ ठीक ठीक बहुत बढ़िया। मरकाम जी मरकाम जी जी ये हरिओम स्टूडियो ले आप कैसे जाने और काखर माध्यम ले यहाँ तक के आए? अब ऐसे है एक जन कलाकार हा रिकॉर्डिंग करवाए बल बहुत उत्साह हो रही थी। अच्छा, वो एकदम बोले कि भाई कमरसा जाना है हरिओम स्टूडियो तो वो वक्त आपसे भी ज़्यादा पहचान नहीं रही थे। अच्छा, मैं वो कलाकार लेके आए और छः गीत आप करे और आपके स्टूडियम में वो गीत बजी होकर बाद इतना पॉपुलर हुई जितना पॉपुलर हुई वो कलाकार बड़ा खुश हो तब ले मैं आपके जन स्टूडियम हरिओम बोला जाने। अच्छा जी। मरकाम जी जी दुखिए दीदी है ये दुनिया में नहीं वो तो है ये मोर करौंदा के गीत लग अभी कौन गावत? अब ये है उखर जाए बाद हमारे सुपुत्री अंजू मरकाम जिन सम आशीर्वाद का जब कभी श्रोता मन के आशीर्वाद से एक अच्छा कलाकार के रूप में अपन माँ के गीत ला जो गावत है एक नवा गीत और जुमला गीत करके अभी हरिओम स्टेडियम में जब कभी संगीतकार है बड़ा अच्छा बजाते वो अच्छा धुन में तैयार करे और पूरा लोगन ला भी बहुत पसंद आते एक कि हम अंजू मरकाम लगवा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरकाम जी ये बताओ ये हरिओम स्टूडियो आप मतलब कैसे लगीस का लगीस तो यहाँ एग्रीमेंट हुए हो? अब ऐसे है जब हमारे यहाँ लड़का गावत है आपके स्टूडियो में तो एग्रीमेंट का वो करे तो पड़ी भैया। ऐसे है काबर के हमारे लड़का गाते हैं। चलो ठीक, आपसे बहुत मिल के बहुत खुशी हुई सर जी। हाँ,
अब यही चाहत हन कि अभी गवैया मन ला आप कुछ प्रेरणा दो, मार्गदर्शन दो। ऐसे है कि मोर का कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़ी बहुत सरल भाषा है और छत्तीसगढ़ में जिन कलाकार हो गए वो अत्या बढ़िया कलाकार होते हैं, उनका मान सम्मान सब मिलते। मैं कलाकार छत्तीसगढ़ में सबको जन कलाकार हो जा हमार आशीर्वाद दे। पर एक बात तो जरूर कहूँ मैं यहाँ कि जन दुवर्थे के जाते बोले बिल्कुल पसंद नहीं करो मैं काबर कि हमार दाई माई हमार जब का भी लड़का बच्चा एक मिल के हम सुने ही अनगा और वो अन्य बन गाते ना वो गीत ला बोला अलकरहा लगते। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कलाकार मन से वो दुवर्थ गीत मांगता है। हाँ भाई खराब लगते है ना भाई। हाँ क्या बात, वो जब सुनने के लायक नहीं रहा है तो फिर गीते मतलब वो कल बकवास अच्छा है। हाँ ये सही बात है। मरकाम जी बहुत बहुत आपला धन्यवाद जिन आप हमर मन की हरिओम स्टूडियो में आप आयो और हमला ये सब संबोधित करो जी। बहुत खुशी हुई। जय जोहार भैया आप ठीक संगवारी हो। दुखिया दीदी के सुपुत्री अंजू मरकाम से आप मतलब मिलात हो हरिओम स्टूडियो में पधारे हो तो आओ संगवारी हो अंजू मरकाम से मिलात। अंजू जी दुखिया दीदी ये दुनिया में नहीं है और ये मोर करौंदा के जम्मू गीत लाभ मतलब सौंपे है गाय बर तो ध्रुवा राम जी आप ला सौंप दे है तो एक बार इसे का विचार है। विचार तो ये है भैया कि अब मोर माँ तो इतना बड़े गायिका है जाने माने गायिका है ना मोर माँ मोर बाबू जी बहुत बड़े गायिका है तो मैं चाहता हूँ कि ओखर मन जैसे मैं भी दुनिया में नाम कमाऊँ और मोर पापा बहुत सपोर्ट करा थे मोला। अंजू जी दुखिया दीदी ये दुनिया में नहीं है और ये मोर करौंदा के जम्मू गीत ला ध्रुवा राम जी है आप ला सौंपे है गाय बर तो एक बारे से का विचार है आपके। भैया विचार मोर ये है कि मैं चाहता हूँ मोर माँ जैसे आगे बढ़ी से इतना दुनिया में नाम कमा है वहाँ अच्छा। कई कई नाम से है ना मोर मोर बाबू जी मोर माँ अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी वैसे नाम कमाऊँ और दुनिया में अच्छा एक मोर माँ बाबू जी से मैं भी दुनिया में एक नाम एक छाप छोड़ूँ कि हाँ वो हादुरा मरकाम दुखिया में मरकाम की लड़की है। तो बस जनता से यही दरख्वास्त है कि मोर जैसे मोर बाबू जी मोर माँ सपोर्ट करे वैसे मोला भी आगे बढ़ाए तो का सपोर्ट मिला थे आपके पिताजी से। हाँ मोर बहुत सपोर्ट मिला थे मोर बाबूजी मोला हर गाना छोटे चाहे पुराना गाना हो या बड़े गाना मतलब कोई भी गाना हो मोला हमेशा मतलब लिख के देते और मोला बताया थे कि बेटा यहाँ पे गलती है यहाँ पे इसे गावे करके बोलना चाहते। तो अंजू जी आप कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग करवाए हो आप। मैं रिकॉर्डिंग करवा हूँ अस्ट्रांजलि से और अभी तो फिलहाल हरिओम स्टूडियो जहाँ मैं यहाँ एग्रीमेंट करे हूँ। बहुत अच्छा स्टूडियो है और स्टूडियो बहुत भारी हूँ मैं कि मोर संगीत ला इतना अच्छा से सजा के मैं पेश करा थे जैसे लगते कि मोला पुराना गाना ही गा मोर माँ और मोर बाबू जी ऐसे सपोर्ट करत मोर बाजकर भैया है जो है। तो हरिओम स्टूडियो के संगीत से और रिकॉर्डिंग मिक्सिंग से आप संतुष्ट हो ना। बहुत संतुष्ट हूँ और मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि हरिओम स्टूडियो जैसे स्टूडियो कहीं पे नहीं। अच्छा वाह भाई वाह आपकी बड़प्पन है बहुत सुंदर बात है। तो अंजू जी मैं कहत रही हूँ कि एग्रीमेंट हुए हो तो का सोच के एग्रीमेंट हुए हो। हमन का सोच के एग्रीमेंट हो भैया कि हमार जो गीत संगीत है ना जो हमार बाबूजी और हमार माँ जब गाय रही है ना हाँ। तो एकदम मतलब पुराना मिठास लगे मना हाँ। तो वैसे जब भी हमारे नया में गाते नया गाय से मतलब चालू करते हाँ। तो हमें ये नहीं लगे कि ये गाना नया है हमारा पुराना ही लगते ये वजह से हम एग्रीमेंट साइन करे हैं कि ओकर संगीत जो है ना एकदम अच्छा बना मतलब वो दिन के संगीत जो करते बहुत अच्छा करते। अच्छा अच्छा तो आप संतुष्ट हो ना। बहुत संतुष्ट हूँ मैं। वाह बहुत बढ़िया। तो संगवारी हो ये रही से दुखिया भाई मरकाम और ध्रुवा राम मरकाम की पुत्री अंजू मरकाम। तो संगवारी हो आप मन से विदा लेना चाहबो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।